Angels, very warm welcome to all, and my name is Suman. So today we are going to discuss something really nice about your skin. So as you know, you guys have been asking ki mere skin par itna zyada glow kaise rehta hai, skin care aise karti hu main and aapko skin aisi kaise mil sakti hai. To maine bahut sare products aapko recommend kiye hain according to weather, according to skin type, but main is video mein aapke sath share karne wali hu wo 5 biggest mistake जो हम करते हैं अपने स्किन के साथ और बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देते हैं अपने स्किन को, एंड वो चीज़ें अनजाने में भी हो जाती है बिकॉज हमें नहीं पता है. तो इस वीडियो को मेक श्योर पूरा देखना बिकॉज ये हो सकता है कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो अपने स्किन केयर में और ग्लोई स्किन आप अचीव ना कर पा रहे हो इस वजह से. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब करके हिट जरूर करना बेल आइकन बिकॉज इट्स एब्सोल्यूटली फ्री. एंड यस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. Not having an AM and PM night routine. So क्या होता है कि हम स्किन केयर तो कर लेते हैं लेकिन अगर हम लिप बाम लगा लें, आई जेल लगा लें, मॉइस्चराइजर लगा लें लेकिन अगर उसे सही टाइम पे नहीं करेंगे तो वो बेकार है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस. तो इसलिए आपको एक AM एंड PM रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग में मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स लगाने हैं एंड नाइट में क्या क्या लगाने हैं. लेट इट बी CTM, क्लेंजिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, 3 basic steps, 3 basic products. तो अगर आप 3 basic products से भी अपना स्किन केयर करना चाहते हो दैट इज़ फाइन, लेकिन आप इसे सही टाइम पे करें. जैसे मॉर्निंग में स्टार्ट अपना कर रही हूँ अपना डेली रूटीन, तो फर्स्ट स्टेप इज़ मेरे फेस पर जो ऑयल आता है, लाइक आई एम वेरी ऑयली पर्सन और जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है वो यहाँ पर ऑयल फेस करते हैं. तो डेफिनेटली मेरा फर्स्ट स्टेप होता है कि मैं अपने फेस को वॉश कर लूँ बिकॉज ये जो एक्सेस ऑयल होता है ये आपके स्किन को क्लॉग भी करता है. यानी आपके जो फेस ने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया आपके फेस पे, वो कितनी देर तक आप उसे रखोगे अपने फेस पर, जितनी ज़्यादा देर करोगे उतनी ज़्यादा नुकसान है आपके स्किन के लिए. तो इसीलिए आपको क्लेंजिंग के लिए फर्स्ट स्टेप आपका मॉर्निंग में अच्छे से क्लेंजिंग करें, टोनिंग करें, मॉइस्चराइजिंग करें एंड रात में सोने से पहले आप अपना CTM ज़रूर कर लें. एंड CTM करने से 15 मिनट या आधे घंटे का गैप रखें ताकि आपका सारा जो स्किन केयर है वो पिल्लो पे ना चला जाए, ड्राई आउट हो जाए, तब उसके बाद सोए. तो ये हमारा फर्स्ट मिस्टेक है कि हम AM एंड PM रूटीन नहीं रख पाते हैं. तो मेक श्योर AM एंड PM रूटीन ज़रूर रखें. सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक इज़ नॉट अप्लाइंग फेस वॉश करेक्टली. हम यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि फेस वॉश को कैसे लगाना चाहिए, नॉर्मली तो हम लगाते ही हैं, बट आई शुड रिमाइंड यू कि फेस वॉश बहुत तरीके के आते हैं. इट बी अ जेल फेस वॉश, इट कुड बी अ क्रीम क्लेंजर, इट कुड बी अ फोम क्लेंजर. तो क्या होता है कि फोम क्लेंजर सबसे ईजिएस्ट तरीका है आपका फेस वॉश का. एंड मेरी तरह जो बहुत ज़्यादा आलसी लोग होते हैं वो फोम फेस वॉश की तरफ ज़्यादा मुड़ जाते हैं कि हम फेस वॉश चाहिए बिकॉज उसको बस लगाना है एंड मसाज करना है. तो आप कोई भी फेस वॉश लो, कोई इसमें बैरियर नहीं है कि मुझे यही चाहिए वही चाहिए, आप जो लेना चाहते हो वो लो. 1 मिनट तक लगाना अपने फेस पर बहुत ज़रूरी है. सो रिसेंटली आई हैव फाउंड समथिंग रियली नाइस एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश, यू कैन से स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस वॉश, दैट इज़ मामा अर्थ वाइटमिन सी फेस वॉश. तो इसे मैं कैसे लगा रही हूँ, इसी तरीके से आप बाकी फेस वॉश भी लगा सकते हैं. सो दिस फेस वॉश फ्रॉम मामा अर्थ, इट हैज़ वाइटमिन सी, इट हैज़ टर्मरिक विच नॉट ओनली ब्राइटन्स द स्किन बट ऑल्सो फेड्स अवे द डार्क स्पॉट्स टू ट्वाइस अ डे एंड इट रिटेल्स फॉर वेरी नाइस प्राइस, दैट इज़ 399 फॉर 250 ml ऑफ प्रोडक्ट. यानी इतना सारा प्रोडक्ट आप आराम से 2 to 3 months चला लोगे अगर आप तुम इसे बार यूज़ करते हो 1 day में. एंड ऑल्सो अगेन गाइस, 399 में आप मेरा कूपन कोड भी लगा सकते हो SUM2021 फॉर फ्लैट 20% डिस्काउंट. दिस इज़ नॉट एन एफिलिएट कोड, इट्स जस्ट अ सिंपल डिस्काउंट कोड जो आपको 20% ऑफ दिला सकता है इस प्रोडक्ट पे. तो या गाइस, सेकंड मिस्टेक हमारा था फेस वॉश नहीं लगाना. आपको 1 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है एंड इसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है.
थर्ड इज अप्लाइंग मॉइस्चराइजर ऑन अवर वेरी ड्राई स्किन. तो जैसे हम अपने फेस को यू नो फेस वॉश से क्लीन कर लेते हैं, आप देखते होंगे कि आपकी फेस ड्राई होना स्टार्ट होती है, यू नो पैड ड्राई करने के बाद आपकी फेस पे यू नो थोड़ा सा ड्राइनेस भी आने लगता है. तो क्या करते हैं हम, फटाफट यू नो मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं. तो फटाफट मॉइस्चराइजर लगाना बहुत अच्छी बात है, पर ड्राई स्किन पर नहीं. अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो आप टोनर अप्लाई कर लें एंड उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगाएं. इस मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिश क्रीम, इट इज़ एनरिच्ड विद विटामिन सी मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट. इट्स यूनिक एंड वाटर फॉर्मुलेशन prevents melanin synthesis and gives you soft and glowing skin. It reduces pigmentation by restricting melanin deposits that appear on dark spots, blemishes and hyperpigmentation. It has licorice extract which helps in reducing hyperpigmentation. It gives a non-greasy glow and spot correction also. And it retails for 449 rupees, and also you can get flat 20% discount by applying my code. Mama Earth is a plastic positive brand, that is why I really love their products way too much. So this blemish cream I have suggested you guys, it's got link in description box so you can check it out. Thanks. Not applying sunscreen. अगर आप sunscreen apply नहीं करते हो अपने face पर, that is really really dangerous. आप अपने face पर कोई भी moisturizer लगा लो, कोई भी you know active लगा लो, लेकिन अगर आपने sunscreen नहीं लगाया है आपके face पर you know double damage होगा. And mind you guys, अगर आप vitamin C face washes use करते हैं, vitamin C के moisturizer use करते हैं, तो आपको sunscreen लगाना बहुत ज़रूरी है. And for Indian हमारे इंडियन वेदर के लिए 30+, 40+, 50+ आप कोई भी सनस्क्रीन लगा सकते हो, बट मेक श्योर 30 से नीचे नहीं होना चाहिए. SPF 30 से ऊपर ही आप कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हो. मिस्टेक इज नॉट गेटिंग इनफ स्लीप. आई नो बहुत सारे लोग यू नो मल्टीटास्क करते हैं, बहुत ज़्यादा टास्क करते हैं, रात में सोने के लिए बहुत यू नो कम टाइम मिलता है. मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है कि मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करनी है या कोई काम करना है, तो मैं रात के 2-3 बजे तक यू नो उठती थी. एंड स्पेशली आपने ध्यान दिया होगा कुछ ऐसे डेज होते हैं जिसमें हम रात को सो नहीं पाते, तो स्किन टायरिंग हो जाती है और आपके फेस पर रिकवरी बहुत कम होती है. तो स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ माइंड के लिए नहीं, आपके स्किन के लिए भी. हमारे स्किन के नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो आपके डार्क स्पॉट्स को रिकवर करती है. जितना डैमेज हुआ होता है वो अपने आप अंदर से हील करती है आपकी स्किन. तो स्लीप बहुत ही ज़रूरी है. एंड मेक श्योर आप कंफर्टेबली सो रहे हो, कंफर्टेबली एंड हाइजीनिकली. अगर आप पिलो, अगर आपके फेस पर एक्ने स्पॉट्स हैं, आपने एक्ने स्कार्स हैं, तो मेक श्योर आप सोने से पहले अपना पिलो केस चेंज कर ले. पिलो केस से क्या होता है, आपके फेस का यू नो जो पिलो में ऑलरेडी बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपके फेस पे नहीं आते हैं और आपके फेस को यू नो क्लीन एंड स्क्वीकी फील आती है और आप आराम से क्लीन माइंड से सो पाते हो. तो दैट इज़ वाई आपको कम्फर्टेबली हाइजीनिकली स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है. पर एटलीस्ट 7-8 आवर्स आपको आराम से सोने की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें आपकी इम्यूनिटी रीजनरेट होती है और आपके फेस पर नेचुरल ग्लो अपने आप आ जाता है. सो दीज वर दी 5 mistakes ऑफ स्किन केयर जो हम यू नो जाने अनजाने कर जाते हैं. एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो में. एंड ऑल्सो गाइज, आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हो वो मुझे बता सकते हो कॉमेंट में, एंड ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हो. ऑल्सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू.